किस मामले को आज एसपी साहब से मिलने आए थे आप लोग? हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे कि हमारे जो संरक्षक हैं सतीश चौबे जी, जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ गलत आरोप लगाया जा रहा है कि वो उन्होंने यूनियन के पैसे का गबन, और कुछ पेपर में भी लोगों के द्वारा न्यूज़ छपवाया जा रहा है। इसलिए हम लोग एसपी साहब से एक शिकायत की कि हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है, इसकी जाँच की जाए। तो क्या ये आरोप जो पेपर में छपा है क्या गलत, किस बात में पैसा जमा हो गया क्या? वो पेपर में जो छपा है एकदम गलत आरोप है। हमारे जो पैसे इकट्ठे हुए थे 51,060 रुपये मात्र जमा हुए थे, जो हम प्रशासन को देने गए, वहाँ पर एसडीएम साहब डीएसपी साहब ने बोला कि हम लोगों ने ट्रांसपोर्टरों के द्वारा उसको सहयोग करवा दिया गया है, इस पैसे को आप अपने पास जमा रखिए, जब हमें ज़रूरत होगा हम आपसे मंगा लेंगे। उसके बाद उस पैसे को हम लोगों ने कोषाध्यक्ष के पास पूरे यूनियन की जानकारी में, अध्यक्ष महोदय को भले जानकारी न हो लेकिन पूरे यूनियन की जानकारी में कोषाध्यक्ष के पास जमा कराया गया 51,060 रुपये 1/8/2023। तो क्या पैसा सतीश चौबे जी के खाते में आया था? उस समय यूनियन का अकाउंट ही नहीं था। तो क्या आपके यूनियन से किसी ने ऐसा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि किसी प्रेस वाले को बता रहे हैं? तो प्रेस वालों को मालूम कैसे चलेगा? अगर यूनियन का ही आदमी नहीं बताएगा तो प्रेस वालों को कैसे मालूम चलेगा? मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारे यूनियन को तोड़ना। सतीश चौबे एक मजबूत स्तंभ है, अगर उसको तोड़ दिया जाए, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तोड़ दिया जाएगा तो यूनियन के लोग, बाकी जो कमजोर लोग हैं वो अपने आप किनारे हो जाएंगे और भाड़े कम हो जाएंगे, गाड़ी वाले फिर अपना समझ जाइए कि किस्त नहीं पटा पाएंगे, बहुत तकलीफ में गुजरेंगे। क्या यूनियन की बैठक करके आरोपों का मंथन किया जाएगा और जो दोषी पाया जाएगा उस पर यूनियन के द्वारा कुछ कार्रवाई की जाएगी? हाँ, हम 5-7 दिन के अंदर एक यूनियन की बड़ी बैठक करेंगे, उसमें दोषी जो व्यक्ति है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा और यूनियन के नए पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा।